इस्लाम बहुत समय पहले आया है। इस्लाम को फैलाने वाले मोहम्मद साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 1400 साल पहले हैं। लोग तो कहीं से कहीं तक भी जाके बस सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? ये पलायन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं पलायन? जैसे कश्मीर से कर दिए गए, जालिब गालिब का नारा दे करके कर दिए गए, आप जैसे भाई समर्थन में नहीं उतरे इसलिए कर दिए गए। जुम्मे की नमाज के बाद आप लोग निकलते हैं, बांग्लादेश हिंदू के लिए आप लोग निकले नहीं निकले आप लोग? अरे भैया एक तरफा बात मत करिए। किसी मुस्लिम महिला जिसका विवाह करने में उसका अब्बू असहाय था, उस बिटिया का ब्याह कराया वक्फ ने, ये बताओ? मैं कहूँगा वक्फ सही है। भाई के लिए एक लाइन बोलूंगा कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ये भैया कांग्रेस के चमचे हैं, चाटेंगे जहाँ तक ना ला जाए, वही चाट रहे हैं आगे बिना काम के। तुम बीजेपी तले चाट रहे हो, तुम बीजेपी तले चाट रहे हो, सबसे बीजेपी के सपोर्टर हो तुम क्या? कांग्रेस में विरोध करा था, कांग्रेस में विरोध करा संशोधन के लिए। जनसंख्या अगर नसबंदी का विरोध बीजेपी ने करा था। आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं? इस्लाम में तो हराम है नसबंदी करा। इसे रोक लोगे तुम? मुसलमान तो एक या दो ही बना रहा अभी, किसी के एक है किसी के दो हैं। 120 करोड़ तो हिंदू हैं, 20 करोड़ मुसलमान है यहाँ पे, तो जनसंख्या तो हिंदू ने बढ़ाई यहाँ पे खुद। इस्लाम पहले से आया हुआ मेरे दोस्त, ये है जानकर ऑन दिस कॉन्सेंट्रेट। इस्लाम बहुत समय पहले आया है। इस्लाम को फैलाने वाले मोहम्मद साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 1400 साल पहले आए, सन 1664 ईस्वी में, सन 600 ईस्वी में। सॉरी पर ही नहीं समझे, इनका कहने का मतलब ये है कि तमिलनाडु में कोई मुसलमान नहीं था, वहाँ की जमीन जो वक्फ बोर्ड को जो है वो अधिकार कैसे ले सकता है, वहाँ कोई मुसलमान ही नहीं था। नहीं देखो, हमारे सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये है कि कोई भी आयात निर्यात कहीं से कहीं तक भी कर सकता है, लोग तो कहीं से कहीं तक भी जाके बस सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? मुसलमान तो यहाँ। अरे भैया थोड़ा पढ़ के भी आए कीजिए। तमिलनाडु में बेगमपुर जिला जिसपे पूरे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया कि ये कोई तुक नहीं बनता है कि वहाँ जो है ज़्यादा आबादी है तो तुम वहाँ अधिकार ठोक दोगे। हाँ यहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ आबादी हिंदुओं की ज्यादा है और वो अधिकार ठोक रहा है, ये दिक्कत है। ये आपकी राइट है, तो इसमें दिक्कत क्या है? संशोधन होगा तो? नहीं वहाँ तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ वहाँ दिक्कत है नहीं है, बट ये आपकी राइट बात है, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। गलत बात कौन सी? लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन एज ऑल ऑफ इंडिया में इस चीज़ को लागू करना मुझे लगता है बहुत किड्स बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैसे मैं बताता हूँ, देखो ये जो वक्त बोर्ड है ना, ये हिंदुस्तान के अंदर जो लागू हुआ है, ठीक है, ये जो एक इस्लामिक वो होती है सरकार होती है, एक अलग से होती है संस्था है, नहीं इंस्टीट्यूट होता है, अलग से होता है वो। तो इसमें जो भी ज़मीनें जाती हैं वो सपोज डैट समझ के देखिए हमारे घर से जा रही हैं, एक फॉर एग्जांपल समझ लो, बाकी मैं क्लियरिटी बताऊंगा, वो हमारे घर से जा रही हैं, ठीक है। उसमें भी जो कमेटियाँ होती हैं गाँव गाँव में होती हैं, गाँव गाँव से वो चंदा इकट्ठा करती तब जाकर वो लोगों के लिए आते हैं, कब्रिस्तान में हो या मस्जिद के लिए हो मदरसे के लिए हो, तो इस रूप से वो जाती हैं। अभी गलत तो इसलिए इस चीज़ से हो रहा है ना, वो तो जा तो अपनी रही है, लेकिन सरकार जो उसमें जो अपना मुद्दा जमाना चाह रही है तो इस चीज़ से गलत। पता है कौन कौन से संशोधन करना चाहती है सरकार जो मुद्दा जमाने के बाद? नहीं उस चीज़ के लिए तो खैर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और आप कह रहे कि विरोध करना चाहिए? इसमें संशोधन ये है, मैं आपको बता देता हूं, एज ए ऑल ऑफ इंडिया के लिए विरोध बोला है, एज ए ऑल ऑफ इंडिया के लिए। पहले जानेंगे ना आपकी विरोध क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिना पढ़े आप विरोध करेंगे? मैंने आपने बोला कि वहाँ हिंदू ज्यादा हैं, मैं राइट्स बात आपकी, वहाँ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में ज्यादा थे मेरे भाई, गम थे, कम तो कैसे हुए? 8 राज्यों से लोग ऐसे हुए नहीं, पहले से थे। कैसे हुए गए? ये पलायन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं पलायन? जैसे कश्मीर से कर दिए गए, जालिब गालिब का नारा दे करके कर दिए गए, आप जैसे भाई समर्थन में नहीं उतरे इसलिए कर दिए गए। जो आवाज आज आप उठा रहे हो, उस समय कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते ना कश्मीर में, तो शायद 7 लाख में से 8 लाख होते वहाँ पे आज। भैया जय पैलेस्टीन के लिए आप लोग जुम्मे की नमाज के बाद आप लोग निकलते हैं, बांग्लादेश हिंदू के लिए आप लोग निकले नहीं निकले आप लोग? अरे भैया एक तरफा बात मत करिए और सुनिए मेरी बात। पहले मेरी बात सुनिए, पहले एक मिनट हंस के मत दिखाइए, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए फिलिस्तीन में चल रहा है, ठीक है, उधर बांग्लादेश में चल रहा है, जब सरकार इस चीज में समर्थन में नहीं उतर रही, लोग क्यों उतरेंगे उस चीज में? पहले फिलिस्तीन में क्यों उतर रहे हैं? फिलिस्तीन के लिए क्यों उतर गए आप लोग? फिलिस्तीन के लिए क्यों उतरे? कौन उतरा है? मुस्लिम। एक मिनट, मस्जिद में जब नमाज पढ़ी है ना, पूरे देश के लिए जो है ना वहाँ दुआ मांगी जाती है। एक बार उतर कर देखिए, एक बार सुन कर देखिए, आप ऊपर ऊपर देखते हैं उस चीज को। आप मांगने के बाद जो मस्जिदों में कारनामे होते हैं, जैसे अभी लखनऊ में कल कारनामा हुआ, ये वहाँ कोड लगा दिया गया कि इसको स्कैन करिए, वहाँ दुआ करने जा रहे हो, कोड को स्कैन करने जा रहे हो आप लोग? जब मुद्दा एज ऑल ऑफ इंडिया का आ रहा है तो मजबूर है मुसलमान भी, अब बेचारा क्या? सरकार तो उसमें भी समर्थन नहीं कर रही, फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? किस चीज में? आपने कहा कि सरकार समर्थन नहीं कर रही बांग्लादेश में, इसलिए हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब जमीन जा रही तो क्या करें? अब
देखो हर एक मुसलमान जमीन जा रही है, मैं फिर बोलूंगा भाई साहब, किसी की जमीन नहीं जा रही है। इसमें संशोधन किस टॉपिक पे हो रहा है आपको यही मालूम नहीं है? अच्छा सवाल है भैया का, आपको वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हुआ? हमें कोई फायदा नहीं है, जब आप कर रहे हो तो आप करो। मुझे भाई आपको फायदा हुआ, एक मिनट, हिंदुओं को अलग समाज को तो नहीं हुआ, कम से कम मुस्लिम भाई को तो फायदा होना चाहिए ना। इतनी बड़ी संस्था है, तीसरा सबसे मंदिर है, ये मंदिर है, इधर कमरा भी मिल जाएगा अगर हम रात को नहीं जा जाते, धर्मशाला के रूप में खाना भी मिल जाएगा, रहने को मिलेगा। वक्फ बोर्ड ने जिस मुस्लिमों के, अकबर नगर ही उठा लेता हूँ, वहाँ मकान सरकारी जमीन घेरी थी, हटा दिए गए, किनको छत दी वक्फ बोर्ड ने? एक का एग्जाम्पल दो, किसके घर में राशन दिया? कौन सा बंदा किडनी, रुकिए, कौन सा बंदा किडनी पेशेंट था, लीवर पेशेंट था, हार्ट पेशेंट था, किसका इलाज वक्फ बोर्ड ने अपने पैसे से खर्च करके कराया बताओ? किसी मुस्लिम महिला जिसका विवाह करने में उसका अब्बू असहाय था, उस बिटिया का ब्याह कराया वक्फ बोर्ड ने, ये बताओ? मैं कहूंगा वक्फ बोर्ड सही है। अब एक का आंसर दो, देखो सबसे पहले मंदिर मस्जिद की बात, वक्फ बोर्ड का पूछ, आपने क्या कहा? मस्जिद में जाना क्यों है? मैं क्या कह रहा हूं, आप जब्बार, वक्फ बोर्ड छोड़ो, क्या बताओ मुझे वक्फ बोर्ड का लाभ? मैं भी तो कहूँ ना कि वक्फ बोर्ड ने भैया अस्पताल बनाए, आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, मैं भी उसके पक्ष में खड़ा हूँ, मेरे को एक लाभ तो बताओ भाई। सिर्फ इसलिए समर्थन करना है वक्फ बोर्ड का कि वो मुसलमानों के लिए है, नाम से सिर्फ? नहीं नहीं, समर्थन इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, बस मैं इतना जानता हूँ। साथ नहीं दे रहा वक्फ बोर्ड भाई ना, कहीं झारखंड की कहाँ की बात बताई थी? मैं नाम तमिलनाडु की, आई एम सॉरी, वहाँ की बात बताई कि वहाँ हिंदू ज्यादा है, वहाँ से मैं एग्री हूँ, अब मुसलमान मैं उस चीज से एग्री हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ हर चीज गलत हो रही है तो वो गलत होगी ना भाई। यही तो सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड गलत कर रहा है। 1947 से 2094 तक वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की जमीनें नहीं ली जो वो उनके नाम करके, 1995 में एक संशोधन होता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की धज्जियां उड़ा करके, उसके बाद ही क्यों संपत्ति बढ़ती है, उसके बाद ही क्यों कब्जे बढ़ते हैं, उसके बाद ही तीसरे नंबर पे क्यों आती है बताइए? अच्छा दोस्त ये बताइए मेरे भाई, इस चीज की जरूरत क्या करने की? अरे ये तो कह रहे हैं, हाँ, नहीं जरूरत क्या है? दो बार हो चुका है संशोधन, 1995 में और 2013 में, दिक्कत कुछ नहीं है संशोधन करने में, लेकिन जब दो बार हो चुका है पहले से तो इस बार दिक्कत क्यों? इस बार सिर्फ इसलिए कि बीजेपी कर रही है? हाँ नहीं, इस चीज का तो देखो इससे पहले का तो मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी, मुझे आपको सिर्फ मौलानों की बात सुननी है, जो मौलाना विरोध कर रहे हैं, जो विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं उसका विरोध करना है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका विरोध करना इसको विरोध करना है। आपने बोला ना कि मैं हिंदुस्तानी हूं मेरे भाई, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं। एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए भाई, बदल गए, एक मिनट में ही बदल गए भैया। रिपोर्टर सर एक बात बोलूं, ये कपड़ों से बहुत अच्छे लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं, मगर अकल से बहुत कम लग रहे हैं मेरे को, जो के वक्फ बोर्ड के नहीं, माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, मगर ये अकल वाली बात तो करें, अकल वाली बात तो करें भाई। आगे तो आप बोलो, आप बोलो, भैया भाई के लिए एक लाइन बोलूंगा कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, ये भैया कांग्रेस के चमचे हैं, चाटेंगे जहाँ तक नाला जाए, वही चाट रहे हैं आगे बिना काम के। अब पूछा जा रहा है एडवांटेज, तो एडवांटेज नहीं बता रहे हैं और डिसएडवांटेज नहीं, नहीं तो वैसा ही बात कर रहा, बदबू आ रही थी ना, क्या किसने विरोध करा था? तुम बीजेपी तले चाट रहे हो, तुम बीजेपी तले चाट रहे हो, अरे बीजेपी के सपोर्टर हो तुम, क्या कांग्रेस ने विरोध करा था? कांग्रेस ने विरोध करा था संशोधन के लिए, अरे जनसंख्या, अगर नसबंदी का विरोध बीजेपी ने करा था, समझे, अगर नसबंदी का विरोध बीजेपी ने करती तो जनसंख्या कम होती यहां पे, विरोध किसने करा? बीजेपी ने, जब नसबंदी हो रही, एक सेकंड, जब नसबंदी हो रही थी ना तो सबको जेल में डाल दिया गया था, करा था विरोध कंट्रोल का भी, अभी अगर ना ये भी ना होते वो घी के डब्बे में बिक जाते तो। एक मिनट रुक जाइए चाचा, भाई साहब सुनिए, आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं, इस्लाम में तो हराम है नसबंदी करना, रोक लोगे तुम? मैं कह रहा हूँ नसबंदी का आप समर्थन कर रहे हो नेशनल कैमरा पे, इस्लाम में हराम है नसबंदी, बिल्कुल हराम है, गवर्नमेंट करने पर तुम रोक दोगे? रोक दोगे क्या? तो ये फैसला सही क्यों बता रहे हो? रुक गया एनआरसी से रुक गए, समझ नहीं रहा, कोर्ट के जरिए, कोर्ट के जरिए रुका है, जब कोर्ट ने दखल दिया है, सुनो ले, हाँ, और अभी भी सुन लो, अगर वक्फ बोर्ड ये संविधान के दायरे में चेंज हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर चेंज करा देगा। सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं करा रहा, केंद्र सरकार, केंद्र की बता रहा हूँ, केंद्र ने कानून बना दिए, बना दो, वे लोग कोर्ट में जाएंगे सीधे, कौन लोग?
जो भी वक्फ बोर्ड वाला होगा, कोई भी होगा, तुम्हारे अगर घर में लोग उनका समर्थन करेंगे, किनके, हम क्यों करेंगे उनका समर्थन? जिनकी जमीन है वे खुद करेंगे, वो खुद करेंगे ना, हमारी जमीन थोड़ी है, ये वक्फ बोर्ड के हम सदस्य हैं। इसमें फर्क है भाई, नसबंदी में जमीन में फर्क है। मैं नसबंदी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के में नसबंदी की आज जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अरे सुनो पहले, जब जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, ये जनसंख्या का जो रोना रोवा है कि जी रोजगार जो है जनसंख्या ज्यादा है, तो बीजेपी ने कहा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आप सुनिए सुनिए सुनिए, खान साहब सुन लीजिए प्लीज, अरे खान साहब सुन लीजिए, आप नसबंदी की तो बात कर रहे हैं, मान ली, अरे रुक जाओ यार, मान लीजिए केंद्र सरकार, अरे रुकिए एक मिनट, केंद्र सरकार ये लोला कराती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल खुल के, खुल के बिल्कुल करेंगे सर, समर्थन बिल्कुल, लेकिन जो कहते हैं अल्लाह बच्चे के, अल्लाह के देन है, समर्थन सब करेंगे, सब देश के साथ हैं, सर एक्सक्यूज मी, सब देश के साथ हैं, 140 करोड़ जनता है यहाँ, अरे सुन ले, मुसलमान तो एक या दो ही बना रहा, अभी किसी के एक है किसी के दो हैं, किसी को दिक्कत नहीं, बना दो धड़ाक से बनाओ, हिंदू बढ़ा रहे हैं आबादी ज्यादा, बढ़ाइए, जब भी तो 140 करोड़ हुए हैं, 120 करोड़ तो हिंदू हैं, 20 करोड़ मुसलमान हैं यहाँ पे, तो जनसंख्या तो हिंदू ने बढ़ाई यहाँ पे खुद, बताओ, और मैं तो कह रहा हूँ जनसंख्या कानून आना चाहिए, मजे की बात लीजिए, अगर हिंदू ने बढ़ाई होती तो जब 7.5% पाकिस्तान में थी वहाँ क्यों नहीं बढ़ी, वहाँ क्यों विलुप्त हो गए, वहाँ क्यों खत्म हो गए, और अगर भाई अगर तुम हिंदू मुस्लिम की बात करोगे तो बंटवारा हुआ था, बंटवारे में तुम्हें पूरा मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, क्यों नहीं गई, पढ़ने के बाद पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान से मैं क्या लेने देना, एक मिनट, पाकिस्तान से क्या लेने देना, वहाँ क्यों नहीं बढ़ाई, ये कहते हैं अगर इनके पिताजी ने निरोध लगाया होता तो आज ये विरोध नहीं कर रहे होते, ये हिंदुओं का ही देश है, 100 बात की एक बात, एक मिनट, एक मिनट चुप हो जाओ यार, 100 वो नहीं, इनका भी देश है भैया, भैया देश जिसका जिसका देश था उन्होंने अलग पाकिस्तान ले लिया भाई साहब, अरे पत्रकार महोदय कहाँ खो रहे हो, जिसका देश था उन्होंने अलग देश ले लिया है, और ये कह रहे हैं ना कि जनसंख्या हिंदुओं के ज्यादा क्यों है, तो मैं बता दूं 1947 में धार्मिक आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ था, हमने कह दी पढ़ के आओ, पहले पढ़ के आओ, धार्मिक आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ था और तुम्हारा फूफा जिन्ना को पाकिस्तान दिया गया था भाई साहब, और तुम अब कह रहे हो कि जनसंख्या जनसंख्या, तो जैसे हिंदुओं का ये हिंदुस्तान है तो वहाँ जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा होगी, और तुम्हारा कैसे हुआ था, आप कह रहे धार्मिक, अरे रुकी 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 रुकी, आप कह रहे धार्मिक, सुनिए सुनिए, शांत शांत, आप कह रहे धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा किस आधार पर हुआ फिर, किसका, आप कह रहे हैं धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं हुआ तो बंटवारा किस आधार पर हुआ, आधार लड़ाई है जिन्ना की नेहरू की, इनके आपस में बस, और जिन्ना जो था, सुन दो पहले, सुन तो लो, यहाँ से सारे इस्लामिक कंट्री की डिमांड नहीं थी, इस्लामिक कंट्री की डिमांड नहीं थी, कितना इतिहास जानते हैं किसका, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, और क्या है, इस्लामिक कंट्री है वो, किसने कह दी ना, पार्टिकुलर कंट्री है, कुछ नहीं है इनको पता, कुछ नहीं है, कहने को कहते रहो, वो कहने को अगर कहते रहोगे इस्लामिक, वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये समझ लो, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देश का बंटवारा मजहबी आधार पर किया गया था, ये हर कोई जानता है, तो सारे चले गए थे यहाँ से, छोड़ गए मुसलमान, यहाँ से भगाया थोड़ी गया था, ये कोई हिंदू राष्ट्र थोड़ी है, भारत पहले से था, मुसलमानों को अपना देश चाहिए था, मुसलमानों को अपना देश चाहिए था, अबे हम तो मर्जी से रुके यहाँ पे, हमारा मुल्क हम तू जाएंगे छोड़ गए, जिन्हें अपना मुल्क नहीं लगा वे साले से लेके छोड़ गए, अब तुम पाकिस्तान को रो रहे हो यहाँ पे, अब हमें क्या लेना साले साहब, देख लो भाइयों, इसका भी वर्क रिलेशन है, इसका भी वर्क फोर्स से रिलेशन है, मैं बताता हूँ भैया एक सेकंड सुनो, तो जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे यहाँ पे, जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे विस्थापित होके, वहाँ पे एक सेक्शन 66 में वर्क बोर्ड में ये है 66H, H मतलब हिमाचल प्रदेश, अरे सुन लीजिए ना भैया, सेक्शन 66H में हिमाचल प्रदेश, H मतलब हिमाचल प्रदेश, उसमें क्या हुआ कि इन लोग को जगह देना था, जो वहाँ पे आए थे और जो यहाँ से हिंदू गए थे वहाँ पे जो मुस्लिम गए थे, सॉरी यहाँ से जो जमीन थी 1984 में राजीव गांधी ने वक्फ बोर्ड को दे दिया, जो हिंदू को देना था, जो विस्थापित होकर वहाँ से आए थे, इन लोग देखिए एक्चुअल में शुरू से राजनीति करते आए हैं, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, मुस्लिम को खाली खुश करना है बस, कल को ये श्रीलंका में भी जोड़ेंगे वक्फ बोर्ड, परसों को चाइना में भी जोड़ेंगे, जो चीज है वो समझ ले, ये समर्थन कर रहे हैं भैया, सुनिए सुनिए, चाइना में तो आपकी बोली निकलती नहीं है, चाइना में बोली निकलती नहीं है आपकी, बोलना, अरे कुछ नहीं पता है इनको, यहाँ पे आके खड़े होके फालतू की बहस कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है इनको क्या होता है, देखो एक आदमी कितने सारों को भारी, कौन आदमी भारी हो रहा है,
वो भारियों के चले गए तभी भाग गए। डर लगता था बंटवारे के टाइम, ये कह रहे थे चले गए, इन्हें डर लगता था ना भारत में रहने से। लेकिन एक चीज बोल के गए हैं कि पाकिस्तान से लेना देना क्या, पाकिस्तान को क्यों लाते हो बार बार? एग्जाम्पल देखिए, बात है ना कि एग्जाम्पल के तौर पे आज जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान में भी तो हिंदू थे, बांग्लादेश में भी तो हिंदू थे, अफगानिस्तान में भी तो सिख थे, हिंदू थे, वहाँ पे कैसे पॉपुलेशन कम हो गया उनका? इनका देखिए एक ही चीज़ है, सिंपल सा बात है, फंडा क्या है, क्लियर है, जहाँ पे ये मेजोरिटी में है वहाँ पे काटो, जहाँ माइनॉरिटी में है वहाँ पे भाई भाई करो, और बस लास्ट एट द एंड में भाई और चारा, आप सिर्फ चारा बन के रह जाएंगे इनका।